हैदराबाद के पुराने शहर में मिर आलम ईदगाह से शास्त्रीपुरम तक सीएए एनआरसी एमपीआर के खिलाफ बैरिस्टर सऊदीन अवैसी की जेरे निगरानी में एक अजीम शान एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। 10 जनवरी बरोज़े जुम्मा नमाज के बाद ये रैली निकाली जा रही है। इसी जमन में भारत की तरक्की से बात करते हुए मौलाना जाफर पाशा, मौलाना हामिद मोहम्मद खान के अलावा मौलाना राशिद अब्दुल रज्जाक ने 10 जनवरी को इस रैली में हैदराबाद की आवाम से कसी तदाद में शिरकत करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। वालेकुम। आपको इस बात का इल्म है कि जुमे के दिन यानि 10 तारीख को बाद नमाज जुमा इंशाल्लाह हमारे असदुद्दीन साहब, जनाब असदुद्दीन साहब एमपी साहब की निगरानी में ईदगाह से एक एहतजाजी रैली निकलेगी और वो रैली शास्त्रीपुरम पर जाकर उसका इख्तिताम होगा। मैं तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा और तमाम मसाजिद में ऐलान करने की गुजारिश करूंगा और तमाम नौजवानों को उसमें शिरकत की भी गुजारिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, उस रैली के अंदर हर हम इतना ही नहीं, यही रैली नहीं बल्कि इस तहरीक और इस मजम्मत के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी हिंद उसके अंदर शरीक है, उसका पूरा कैडर शरीक रहेगा, उसका दामे दिरमे सुखने हर तरीके से इंशाल्लाह हमारा ताउन रहेगा। और ख़ास तौर से मैं अपील करता हूँ तमाम आप ये भारत की तरक्की के चैनल के ज़रिए से कि 10 तारीख को जो बेहतरीन जो प्रोसेशन निकाला जाने वाला है ईदगाह ग्राउंड से शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक जाएगा वो, तो उसमें भरपूर तादाद में शिरकत करें और अपनी इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दें और मुकम्मल तौर पर जैसा कि हमारे और हैदराबाद के एमपी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और कायद हैं मुसलमानों के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने जो अपील करी है इस अपील को लब्बैक कहते हुए आप तमाम की और मेरी सबकी ज़िम्मेदारी होगी कि हम उसको मुकम्मल तौर पर कामयाब करें और ये हमारा मिल्ली फरीज़ा भी होगा। और हैदराबाद की जैसा कि हम यहाँ धरना चौक पर एक ज़बरदस्त तारीख हमने रकम करी थी उससे भी आगे बढ़ करके और चूँकि हमें हिम्मत आ गई है वहाँ पर और करते हुए और मज़ीद हम जो है ना इसमें अब तो हमारे कायदे मोहतरम भी साथ हैं और वही उन्हीं की क़ियादत में और ये पूरे उलमा व मशायख भी होंगे उन तमाम की क़ियादत में वो प्रोसेशन वो जुलूस वो जो धरना या वो मार्च जो होगा उसको हम बेखौफ व ख़तर होकर के और मुकम्मल पुरअमन अंदाज में जिस तरह ने हमने वहाँ मुजाहरा किया उससे बेहतरीन मुजाहरा यहाँ करते हुए उसको कामयाब बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह से भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे इस एहतजाज के ज़रिए से ये जो हुकूमत के अकाबिर हैं इनको झिझोड़े और इनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये इसके खिलाफ जो एतराज़ हम एहतजाज जो कर रहे हैं इसको इस काले कानून को वापस लें, यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल करे। आमीन।